बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो बॉन्ड ऑर्डर दो तरीकों से मालूम किया जा सकता है, एक तो एमओटी के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर मालूम किया जा सकता है और एक फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर एमओटी के थ्रू नहीं मालूम किया जा सकता, तो उसके लिए अलग से फार्मूला है। एमओटी में बॉन्ड ऑर्डर मालूम किया जाता है इस फार्मूले के थ्रू। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बॉन्ड ऑर्डर अगर वन होगा तो इसका मतलब है कि एटम्स के दरमियान वन बॉन्ड है, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड है। बॉन्ड ऑर्डर टू का मतलब है कि एटम्स के दरमियान दो बॉन्ड है, जैसे ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर टू होता है। बॉन्ड ऑर्डर थ्री का मतलब है कि एटम्स के दरमियान तीन बॉन्ड है, जैसे कि नाइट्रोजन के अंदर। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अबाउट द बॉन्ड ऑर्डर। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि इफ बॉन्ड ऑर्डर इज पॉजिटिव देन बॉन्ड्स इज स्टेबल। अगर तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो बॉन्ड ऑर्डर स्टेबल होगा। इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज नेगेटिव और जीरो देन द बॉन्ड इज अनस्टेबल। बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव होगा बट फ्रैक्शनल होगा और उसकी वैल्यू लेस देन वन होगी, जैसे 4 डिवाइडेड बाय 3, 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 3, तो इस केस में रेजोनेंस प्रेजेंट होगी मॉलिक्यूल के अंदर। और अगर तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शनल होगी, पॉजिटिव होगी लेकिन लेस देन 1 होगी, जैसा कि बॉन्ड ऑर्डर अगर प्लस 1 बाय 2 होगा, जैसा कि H2 के मॉलिक्यूल के केस में और हीलियम के मॉलिक्यूल के केस में, इन दोनों के कैटाइन्स के केस में अनस्टेबल मॉलिक्यूल होगा लेकिन वो एग्जिस्ट करेगा, यानी वो प्लाज्मा स्टेट में होगा। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए एक फार्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बोनेट की। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, इसके अंदर ये वाला जो पाई बॉन्ड है कार्बन टू ऑक्सीजन के दरमियान में, इसका रेजोनेंस होता है। ये कभी तो एक ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाता है, कभी तो दूसरे ऑक्सीजन में। तो टोटल अगर तीन ऑक्सीजन है तो ये तीनों ऑक्सीजन में बारी बारी शिफ्ट होगा, तो कार्बोनेट के तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर थ्री एंड टोटल, और टोटल बॉन्ड जो है इस कार्बोनेट के मॉलिक्यूल के अंदर वो चार है, 1, 2, 3, 4। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने का फार्मूला था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 3। 4 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आगा 1.33। अब इस फार्मूले के थ्रू हम बॉन्ड ऑर्डर तभी मालूम कर सकते हैं जब हमें स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल पता होगा। अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हम एक दूसरे फार्मूले के थ्रू मालूम कर सकते हैं। उस फार्मूले के थ्रू मालूम करने के लिए हमें पता होने चाहिए, क्या पता होने चाहिए, वी शुड ओनली नो द वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट। बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने का फार्मूला है वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट प्लस चार्ज ऑन एसिड रेडिकल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट्स। हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिनके अंदर हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। जैसे ये कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट में कार्बन सेंट्रल एटम है और ऑक्सीजन पेरिफेरल एटम है। अब ऑक्सीजन जो पेरिफेरल एटम है इसकी वैलेंसी है 2, तो हम इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट 2 आ रही है प्लस फॉर्मूले वाला प्लस, फिर हमने लिखना है चार्ज ऑन एसिड रेडिकल, टोटल जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर चार्ज क्या है -2, हमने इस चार्ज को साइन के साथ लिखना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट। टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट 3 है, कार्बोनेट के अंदर 3 ऑक्सीजन है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.33। इसका मतलब है कि कार्बन टू ऑक्सीजन जो बॉन्ड है वो 1.33 है, उसका कंट्रीब्यूशन 1.33 है। एक पूरा बॉन्ड है और दूसरे बॉन्ड का तीसरा हिस्सा है। परक्लोरेट, परक्लोरेट का बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने के लिए हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट, पेरिफेरल एलिमेंट इज ऑक्सीजन व्हिच वैलेंसी इज 2 प्लस चार्ज ऑन एसिड रेडिकल, तो सारे एसिड रेडिकल के ऊपर चार्ज -1 का बन रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट्स, यहां पर 4 है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आएगा 1.75। ClO3- के अंदर पेरिफेरल एलिमेंट की वैलेंसी 2 है प्लस चार्ज ऑन द होल इसके ऊपर -1 का है और टोटल नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम 3 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.66 आएगा।
Cl2O जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.66 है. ClO2 माइनस, इसके अंदर पेरिफेरल एटम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, प्लस चार्ज मॉलिक्यूल के अंदर -1 है और नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम 2 है. तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1.5. ये वाला जो फार्मूला है यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने का, ये बिल्कुल ठीक बैठता है हर किस्म के कंपाउंड्स पर. तो इस छोटे से फॉर्मूले को याद करके आप किसी भी चीज़ का बॉन्ड ऑर्डर मालूम कर सकते हैं.